हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। नवरात्रि स्टार्ट है तो आज हम बनाने वाले हैं फलहारी या नवरात्रि की स्पेशल, बहुत ही कम घी में बनने वाला, ऊपर से क्रिस्पी करारा और अंदर से एकदम सॉफ्ट खिले खिले साबुदाने के मस्त अप्पे की रेसिपी। और साथ ही हम बनाएंगे इस अप्पे के साथ खाने वाली एक स्पेशल चटनी को भी, जो तीखी चटपटी तो होगी पर बहुत ही स्वादिष्ट होगी। तो चलिए ये दोनों रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले हम जो मूंगफली है उसे भून लेते हैं। तो एक कप मैंने लिया है मूंगफली और इसे अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। जब ये देखिए अच्छी तरह से इसके कलर भी चेंज हो गए और फटफट की आवाज भी आ रही है, मतलब अच्छी तरह से भुना जा चुका है। तो इसे अब ठंडा करेंगे और इसके छिलके उतार करके ग्राइंड कर लेंगे दरदरा सा। और ये मैंने ले लिया है 2 बॉयल किया हुआ, कद्दूकस किया हुआ, अच्छी तरह से 2 आलू ले लिया है और एकदम मैसी सा बना लिया है आलू को। और अब हम इसमें कुछ और सामान डालने वाले हैं जिससे हमारे अप्पे एकदम चटपटे बने। सबसे पहले मैं 1/2 कप साबुदाना डाल रही हूँ। ये मैंने रात भर भिंगो करके रखा था। जब मैं इसे भिंगो रही थी तो 1/2 कप ही लिया था, तो उसको साबुदाने को रात भर भिंगोने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं। और ये जो दरदरा हमने पीसा है ना मूंगफली को, वो है, तो इसे भी मैं डाल देती हूँ। अगर फाइन भी हो जाए मूंगफली के या कुछ दाने रह जाए तो कोई बात नहीं। अब आप इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब जीरा, 1/2 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। और ये मैंने 1/4 चम्मच ले लिया है सौंठ, यानी कि अदरक का ड्राई करके हमने पीस लिया है, नहीं तो आप अदरक भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। और ये 2 चम्मच हम सिंघाड़े का आटा डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा बाइंड आएगा। और ये मैंने 2 हरी मिर्च को एकदम बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। और अब इसके साथ ही डाल देते हैं धनिया को एकदम से बारीक बारीक कट करके। ये धनिया मिर्ची मेरे किचन गार्डन के हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये स्वादानुसार मैंने नमक डाल दिया है, मैंने 1/2 चम्मच के करीब डाला है। और ये बहुत थोड़ा सा 1/4 से भी कम हल्दी डाल दिया है। और इसी तरह से 1/2 चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ। सारी चीजें पड़ गई हैं तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से हाथों से ही होगा, तो मैं हाथ से अच्छी तरह से हाथ धो करके इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद देखिए इसमें 1 बूंद भी मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो 1/2 चम्मच पानी इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए अब ये अच्छी तरह से बाइंड हो चुका है। हाथों को साफ कर लेते हैं और फिर मैं इसमें से बॉल्स बनाऊंगी, बढ़िया वाले अप्पे वाले बॉल्स। तो चलिए अब ये रेडी हो गया है, तो चलिए फटाफट हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा ऑयली हो जाए। हम देसी घी का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी दिनों में अगर आप बना रहे हैं तो आप देसी घी की जगह कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन उपवास में बना रहे हैं तो देसी घी में ही बनाइएगा। तो अब अच्छी तरह से हाथों में देसी घी लगा लिया है। अब इस तरह से एक बड़ा टुकड़ा लेकर के मैं गोल कर लेती हूँ और ये जो अप्पे का पैन है ना उसमें डाल करके इसे अच्छा सा एक शेप दे देती हूँ। इस तरह से शेप देने से एकदम से राउंड आता है, बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए अब दूसरे साइड को भी मैं इसी तरह से हल्का गोल करके वापस से इसे अप्पे पैन में डाल दूंगी और दूसरे साइड को भी हल्का दबा दूंगी, तो ये चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल हो जाएगा। अब ये देखिए एक बन करके रेडी हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और सेम इसी प्रकार से मैं सारे के सारे अप्पे बना करके रेडी करूंगी। ये देखिए सारे अप्पे बन चुके हैं और इनका शेप और साइज देखिए बहुत बढ़िया है, नींबू से थोड़ा सा बड़ा है। और चलिए अब हम पका लेते हैं। तो पकाने के लिए मैंने अप्पे पैन लिया है और अप्पे पैन के सांचे में मैं एक एक ड्रॉप करके घी डाल देती हूँ, देसी घी, और बहुत कम घी में यह बहुत बढ़िया और बहुत स्वादिष्ट रेसिपी बन करके रेडी होता है। ये देखिए सारे खांचों में मैंने डाल दिया है, गरम नीचे से गरम है तो इसलिए बहुत जल्दी पिघल भी गया है घी। अब एक एक करके सारे अप्पे वाले जो हमारे बॉल्स बने हैं सबको डाल दीजिए एक एक खाने में। और अब फ्लेम को आप कर दीजिए मीडियम और मीडियम फ्लेम पे इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक एक साइड में पकने दीजिएगा। हल्का सा मैंने ऊपर से ग्रीसी कर लिया है, बस एक बार ब्रश को डिप करके बस सारे अप्पे के ऊपर हल्का सा ब्रश मार दिया है। और ये सारे अप्पे अब अच्छी तरह से सेट हो गए हैं, तो अभी हम इसको ढक करके 3 से 4 मिनट तक एक साइड में पकने देंगे। बीच में जरूरत हो तो चेक कर लीजिएगा।
जब तक हमारा अप्पे बनता है, एक साइड में सिकता है, तब तक चलिए हम मस्त वाली चटनी बना लेते हैं। तो ये मैंने 4 हरी मिर्च लिया है इस चटनी के लिए। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम भी ले सकते हैं। ये 1 मुट्ठी पुदीना लिया है और इसके साथ मैंने लिया है 2 चम्मच दही। दही की मात्रा आप कम ज्यादा कर सकते हैं। किसी भी चीज की हमें जो डाल रही हो ना चटनी में, आप कम ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा अदरक का पाउडर यानी सोल्ट और थोड़ा सा ले लिया है सेंधा नमक को, जो व्रत में खाया जाता है। ये 1 मुट्ठी धनिया थी। अब इन सारी चीजों को मिक्सी के जार में डाल करके अच्छी तरह से पीस करके चटनी बना लेंगे। जब तक चटनी बनती है तब तक हम अप्पे को पलट भी देते हैं। तो अप्पे को पलटने के लिए मैं 1 स्पून ले लेती हूँ। कभी भी चक्कू से या किसी धारदार चीज से इसे पलटिएगा मत, इस तरह से स्पून से ही पलटिएगा, क्योंकि स्पून का कर्व रहता है ना, तो बहुत इजीली पलट जाता है। और ये सारे पलट गए हैं तो वापस से इसे ढक्कन को लगा दीजिए और 3 से 4 मिनट तक दूसरे साइड में पकने दीजिए। अब मुझे लगता है दूसरा साइड भी अच्छी तरह से पक गया है, 3 से 4 मिनट हो भी चुका है। तो 1 अप्पे को पलट करके देख लेते हैं। बहुत बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है, अच्छी तरह से सिक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। पहले सारे हम पलट ले अच्छी तरह से, फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं पास से आपको दिखाती हूँ अप्पे कितने सुंदर दिख रहे हैं। इसका कलर देखिए बहुत बढ़िया है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और फिर मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। बहुत बढ़िया है, अप्पे बन करके रेडी हुआ है। तो बहुत कम घी में बनने वाले अप्पे को अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसमें घी बिल्कुल भी नहीं लगा है, जैसा कि आपने पहले भी देखा है। और ये देखिए, प्लेट में मैं एक एक करके सारे अप्पे को निकालती जा रही हूँ। इसका कलर और टेक्सचर तो बहुत बढ़िया है ही, शेप और साइज भी बहुत परफेक्ट बना है। तो चलिए अब अप्पे को निकाल करके सर्व करते हैं। ये लीजिए उपवास में खाने वाले साबूदाना के क्रिस्पी करारे अप्पे विथ धनिया की तीखी चटपटी चटनी। क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है ना। अब 1 अप्पे को आपको पास से दिखाती हूँ। लुक और कलर देखिए, बहुत प्यारे आए हैं। अब मैं इसे तोड़ करके आपको दिखाती हूँ। इसका आउटर कवरिंग जितना हार्ड है, जितना सख्त दिख रहा है, अंदर का हिस्सा एकदम सॉफ्ट मुलायम, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाला। सागो के दानों को देखिए कितनी अच्छी तरह से दिख रहे हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट। अब इसे मसल करके दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी तरह से कुक हुए हैं। बहुत ही बढ़िया लाजवाब। और इसे बनाने में तेल तो बिल्कुल लगा ही नहीं, घी भी बस 1 या 2 बूंद ही लगा है। तो बिना उपवास के एक हेल्दी आइटम भी है, अक्सर बनाइए और इसे खाइए। अब मैं इसके साथ की चटनी को दिखाती हूँ। इसका कलर और टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया आया है। आप इस अप्पे को व्रत में खाई जाने वाली अदर चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।